नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा ऑफलाइन कन्वर्जन ट्रैकिंग के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि कन्वर्जन क्या होता है। अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है और वो एक्शन परफॉर्म करता है जो आपके लिए वैल्यूएबल है, तो वो एक कन्वर्जन काउंट करते हैं आप उसको। सो कन्वर्जन दो तरह के हो सकते हैं, एक ऑनलाइन कन्वर्जेंस और एक ऑफलाइन कन्वर्जेंस। ऑनलाइन कन्वर्जेंस के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इसका मैं लिंक दे रहा हूँ आपको वीडियो के राइट साइड में। आप एक बार ऑनलाइन कन्वर्जेंस को देखिए, किस तरह आप उनको क्रिएट कर सकते हैं, किस टाइप के ऑनलाइन कन्वर्जन होते हैं। ऑनलाइन कन्वर्जन में आपका हो सकता है कि आप ऑनलाइन अगर कुछ आइटम आप सेल करते हैं तो वो आपके लिए कन्वर्जन हो सकता है। आपका कोई ईमेल सब्सक्रिप्शन साइन अप करता है, वो आपके लिए कन्वर्जन हो सकता है। कोई आपके बिजनेस को कॉल करता है, वो आपके लिए कन्वर्जन हो सकता है। सो डिफरेंट टाइप के ऑनलाइन कन्वर्जन होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं आपके साथ, तो आप वो वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ऑफलाइन कन्वर्जन्स के बारे में। अगर आपकी एड पे कोई यूजर क्लिक करता है और आपकी वेबसाइट पे लैंडिंग पेज पे जाता है, तो डेफिनेटली अगर आपने ऑनलाइन कन्वर्जन्स क्रिएट किए हुए हैं और वहीं पे वो परफॉर्म करता है एक्शन, तो वो ऑनलाइन कन्वर्जन में काउंट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो यूजर ऑफलाइन वर्ल्ड में जाके कन्वर्ट होता है, अगर वो डायरेक्टली आपके बिजनेस को कॉल करता है और ऑफलाइन वर्ल्ड में आपसे एग्रीमेंट साइन करता है, या वो आपके स्टोर पे आके कोई आपकी सर्विस परचेज करता है, तो इस तरह के जो कन्वर्जन्स होते हैं वो ऑफलाइन वर्ल्ड में होते हैं। तो उनको हम किस तरह काउंट कर सकते हैं और किस तरह हम वापस अपने गूगल ऐड में उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपलोड करते हैं हम, ताकि जो आपकी कैंपेन है उसमें आप ऑनलाइन कन्वर्जन तो काउंट हो रहे हैं, बट उस कैंपेन से कितनी आपने टोटल कन्वर्जन किए। जब तक आप ऑफलाइन कन्वर्जन्स को ऑनलाइन कन्वर्जन्स के साथ ऐड नहीं करते, तो आपको अपने टोटल कन्वर्जन्स पता नहीं चलते। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा किस टाइप के ऑफलाइन कन्वर्जन होते हैं और किस तरह आप उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी ऐड को क्लिक होता है तो हमेशा नहीं हुआ कि डायरेक्टली जो यूजर है वो एक एक्शन परफॉर्म करे जो आपके लिए कन्वर्जन है। कई बार ऐसा होता है कि एक जो आपका कन्वर्जन पाथ है वो स्टार्ट हो जाता है, बट जो यूजर कन्वर्ट होता है वो ऑफलाइन वर्ल्ड में होता है। उसी को काउंट करने के लिए हम ऑफलाइन कन्वर्जन ट्रैकिंग यूज करेंगे। आपको इंपोर्ट करने होते हैं अपने ऑफलाइन कन्वर्जन्स, ताकि आप मैसेज कर पाए कि आपने जो आपकी ऐड पे क्लिक हुआ था, जिस यूजर ने आपको कॉल किया था, तो उसने ऑफलाइन वर्ल्ड में जाके किस तरह आपके कोई सर्विस परचेज की या कोई एग्रीमेंट साइन किया आपसे, तो उसको आप काउंट कर सकते हैं। दोस्तों, दो तरह की ऑफलाइन कन्वर्जन ट्रैकिंग होती है, जिस तरह आप अपनी ऑफलाइन सेल और लीड को आप काउंट कर सकते हैं। एक होता है उसमें जो कन्वर्जन्स क्लिक के साथ स्टार्ट हुए हैं, और दूसरा उसमें होता है जो कन्वर्जन फोन कॉल के साथ स्टार्ट हुए हैं। दोस्तों, जो कन्वर्जन क्लिक के साथ स्टार्ट हुए हैं, आपको सबसे पहले सेटअप करना होता है अपनी ऑफलाइन कन्वर्जन ट्रैकिंग को। उसके बाद आप उन कन्वर्जन को इंपोर्ट करते हैं गूगल एड्स में, और जो कन्वर्जन स्टार्ट होते हैं फोन कॉल के साथ, उनको डायरेक्टली आप इंपोर्ट करते हैं गूगल एड्स में। अब मैं आपसे बात करूंगा किस तरह आप कन्वर्जन फ्रॉम क्लिक को सेटअप कर सकते हैं। जब भी कोई क्लिक होता है आपकी एड के थ्रू और आपकी वेबसाइट पे कोई यूजर जाता है, तो उस केस में गूगल आपको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर क्लिक के लिए, जिसको हम GCLID कहते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं ऑफलाइन कन्वर्जेंस को थ्रू क्लिक, तो आपको उस आईडी को सेव करना होता है, साथ में जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, जैसे यूजर का नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर। दोस्तों, उसके बाद जब वो पर्टिकुलर यूजर कन्वर्ट होता है ऑफलाइन वर्ल्ड में आपकी सर्विस को परचेज करके, आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, तो आपको उस पर्टिकुलर यूजर की जो GCLID होती है अलोंग विद फ्यू अदर डिटेल्स आपको वापस अपलोड करनी होती है कि किस टाइम वो कब वो यूजर कन्वर्ट हुआ। तो जब आप अपलोड करते हैं तो वो डेटा उसके बाद गूगल ऐड में शो होता है। उसके बाद गूगल ऐड जो रिकॉर्ड करता है इस कन्वर्जन को अलोंग विद अदर कन्वर्जन्स। अब मैं आपसे बात करूंगा कि जो कन्वर्जन फ्रॉम कॉल हैं वो क्या होते हैं और किस तरह वो डिफरेंट होते हैं कन्वर्जन फ्रॉम क्लिक से। दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट करते हैं कन्वर्जन इन्फॉर्मेशन गूगल ऐड में, तो आपको पता चल सकता है कि कौन सी आपकी एड्स और कीवर्ड से आपको मैक्सिमम सेल्स कॉल मिले हैं। दोस्तों, कन्वर्जन फ्रॉम क्लिक में आप क्लिक आईडी के थ्रू कन्वर्जन ट्रैक करते हैं, बट कन्वर्जन फ्रॉम कॉल में जो फोन कॉल है उसके बेस पे आप
ट्रैक करते हैं जो भी सेल्स या आपके अदर वैल्यूएबल एक्शन कस्टमर ने परफॉर्म किए हैं। जब आप इनको इंपोर्ट करते हैं गूगल ऐड में तो ये कन्वर्जन मैच होते हैं फोन कॉल के साथ जो आपकी ऐड से आपको रिसीव हुई है। दोस्तों आपको एटलीस्ट 90 डेज के अंदर जो भी आपके ऑफलाइन कन्वर्जन्स हैं, चाहे वो क्लिक्स हैं या कॉल से, आपको अपलोड करने होते हैं गूगल एड्स में। उसके बाद अगर आप उनको अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो अभी तक मैंने आपसे पीपीटी स्लाइड में आपको बताया क्या होता है कन्वर्जन ट्रैकिंग। अब मैं आपको गूगल एड्स में जाकर दिखाता हूँ किस तरह आप उनको अपलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह आप ऑफलाइन कन्वर्जन की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको टूल एंड सेटिंग पे क्लिक करना है, आपको कन्वर्जन को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं प्लस का, यहाँ से आप ऑनलाइन कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड हो, ऐप से हो, या फोन कॉल से, या आप इंपोर्ट करते हैं सेल्स फोर्स से, या आप करते हैं इसको गूगल एनालिटिक्स से। मैं आपको दिखाऊंगा आप ऑफलाइन जो कन्वर्जन की फाइल है उनको किस तरह अपलोड कर सकते हैं। आपको अपलोड्स पे क्लिक करना है, आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड कन्वर्जन्स। तो यहाँ पे जो स्प्रेडशीट है उनके उसके साथ आप जो भी आपके ऑफलाइन कन्वर्जन उनको आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सोर्स का ऑप्शन होता है जिसमें आप अपने जो भी आपका डेस्कटॉप है या लैपटॉप, उससे आप अपलोड फाइल कर सकते हैं। अगर आपने फाइल गूगल शीट पे मेंटेन की है तो वहीं से आप अपलोड कर सकते हैं। आपके पास कुछ HTTPS में है या SFTP में कोई फॉर्मेट है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपलोड कर सकते हैं। तो आपको अगर नहीं आइडिया है किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करनी है तो यहाँ से गूगल आपको ऑप्शन देता है टेम्पलेट्स के। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्जेंस फ्रॉम क्लिक में आपके पास एक्सेल, CSV, गूगल शीट का ऑप्शन है। इस तीन फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कन्वर्जेंस फ्रॉम कॉल में भी आपको तीन तरह के फॉर्मेट में टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। और जो गूगल सपोर्ट करता है फाइल्स को वो CSV, TSV, XLS, XLSX एंड गूगल शीट को सपोर्ट करता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की टैंपलेट्स होती हैं, किस तरह की उनमें इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल कन्वर्जेंस की। तो सर इसमें कोई क्लिक आईडी की जरूरत नहीं होती है, तो डायरेक्टली आपको अपना जो भी आपको कॉल आई है कस्टमर का फोन नंबर मेंशन करना होता है, कॉल स्टार्ट टाइम मेंशन करना होता है, कन्वर्जन नेम आपको देना होता है, कन्वर्जन टाइम मेंशन करना होता है, किस टाइम वो कन्वर्जन आप जो कॉल है वो कन्वर्ट हुई तो आपको वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। आपको कन्वर्जन वैल्यू देनी होती है अगर आप देना चाहें, अदरवाइज आप उसको जीरो रख सकते हैं। और आपको कन्वर्जन करेंसी देनी होती है, अगर आप यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं 1000 डॉलर है या INR है तो आप उसको करेंसी को यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आपके पास अब ये सारा डेटा कहाँ से आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा डेटा जो है आपके पास फोन नंबर, कॉल स्टार्ट टाइम, ये आपको कहाँ से मिलेगा। कॉल डिटेल का डेटा देखने के लिए आपको रिपोर्ट पे क्लिक करना है, प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स, एक्सटेंशन, और आपको यहाँ से कॉल डिटेल्स को सिलेक्ट करना है। तो आपके पास डेटा आता है एक पर्टिकुलर डेट का कि आपको कितने कॉल्स आए, किस टाइम कॉल स्टार्ट हुई, किस टाइम कॉल एंड हुआ। तो यहाँ से आपके पास कुछ डेटा मिल जाता है, फोन नंबर आपके पास आपके फोन डिवाइस पे होता है, वहां से आप जो आपकी एक्सेल शीट है उसके ऊपर जो मैंडेटरी डेटा है उसको फिल कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा किस तरह आप क्लिक कन्वर्जन को भी ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों क्लिक फॉर कॉल्स में जिस तरह मोबाइल नंबर सबसे इम्पोर्टेंट था, तो इस तरह जो क्लिक कन्वर्जन है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है गूगल क्लिक आईडी। कि सबसे पहले आपको गूगल क्लिक आईडी मेंशन करनी है, उसके बाद आपको कन्वर्जन का नाम देना है, कन्वर्जन का टाइम मेंशन करना है कि किस टाइम एक पर्टिकुलर यूजर कन्वर्ट हुआ ऑफलाइन वर्ल्ड में, कन्वर्जन की अगर कोई वैल्यू है, अगर आपका कोई एग्रीमेंट साइन हुआ या आपकी कोई सर्विस परचेज की है तो वो कितने डॉलर या कितने INR में है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से कन्वर्जन करेंसी मेंशन करनी है। तो इसमें आपके पास जो क्वेश्चन होगा कि गूगल क्लिक आईडी कहाँ से आएगी, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आपका लीड फॉर्म होगा, जो भी आपकी वेबसाइट पे आपका लीड फॉर्म है उसमें डिफरेंट जो डिटेल्स आपको चाहिए होती है, नेम, फोन, ईमेल एंड मैसेज, आपको अपने वेब डेवलपर को कहना है इसमें एक और ऑप्शन ऐड करें गूगल क्लिक आईडी का। पर जो गूगल क्लिक आईडी का ऑप्शन होता है वो यूजर को नहीं दिखता है, वो सिर्फ बैकएंड में काम करता है।
तो जब भी कोई यूजर नेम, फोन, ईमेल और जो मैसेज टाइप करके सबमिट करेगा, तो जो आपके पास ईमेल आएगा उसमें नेम, फोन, ईमेल के साथ, मैसेज के साथ साथ आपके पास एक गूगल क्लिक आईडी भी आएगी। बट जब एक यूजर इसको फिल करेगा तो उसको यहाँ पे गूगल क्लिक आईडी का ऑप्शन नहीं होता है। तो जब भी कोई यूजर आपकी एड पे क्लिक करता है, आपकी वेबसाइट पे जाएगा, इस फॉर्म को फिल करेगा, तो ऑटोमेटिक गूगल एक गूगल क्लिक आईडी जनरेट करेगा। बट आपको एक उसमें आपके डेवलपर को इस फॉर्म में उसको पहले ऐड करना पड़ता है बैकएंड से, उसके बाद ही आपके पास जब ये फॉर्म फिल होके आएगा आपके पास गूगल क्लिक आईडी मिलेगी। उसके बाद आपको उसको एक्सेल शीट में मेंशन करना अलोंग विद अदर मैंडेटरी डिटेल्स, उसके बाद आपको उसको अपलोड करना है। दोस्तों अपलोड करने के लिए यहाँ से आप डिफरेंट जो फाइल है, अगर आप डायरेक्टली अपने मशीन से अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर बेस पे अपलोड नहीं कर पाते हैं अपने डेटा को, तो आप अपनी जो फीड है उसको शेड्यूल कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास जो ऑप्शन होता है वो गूगल शीट, HTTPS, SFTP का होता है। अगर आपने अपने डेटा को आप मेंटेन कर रहे हैं गूगल शीट्स पे, तो आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से एक फ्रिक्वेंसी और टाइम दे सकते हैं। तो गूगल एड्स क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम जो आपने फ्रिक्वेंसी दी उसके बाद जो भी आपने डेटा वहाँ पे अपनी शीट में मेंटेन किया वो पिक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा गूगल एड पे। तो ये भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज आपको 90 डेज के अंदर ही अपना डेटा को अपलोड करना है, उसके बाद वो डेटा लैप्स हो जाएगा। तो आप गूगल शीट पे अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ऑफलाइन कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा, ये भी इतना ही जरूरी है जितना ऑनलाइन कन्वर्जन है, तभी आपको अपनी किसी भी कैंपेन की कितनी सक्सेस रेट है उसी की बेस पे आप पता कर सकते हैं। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है ऑफलाइन कन्वर्जन के बारे में तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसको आंसर करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।